आजादी आखिरी दम तक आजादी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಎಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಎಮ್ಮೆ, ಕೃಷಿಕನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಮ್ಮೆ. ಕಳ್ಳರು ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕದಿಯುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಳ್ಳರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಳ್ಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಆ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಎಂಬುದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, NRC, CAA, ಅಯೋಧ್ಯ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ CAA ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBIಯ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2020ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ GDPಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು 6.1ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ RBI ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ನೆರೆ ಬಂದು ಜನರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರು NRCಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಗರಿಕರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೋರ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆವಾಜ್ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಔರ್ ಜೈ ಮೂಲ್ ನಿವಾಸಿ ಅಜೀಜ್ ಸಾಥಿಯೋ ये देश हमारा है और जो तकलीफ जो मुसीबतें जो परेशानी अब हैं उसके साथ एक खुशी भी है. वो खुशी ये है कि इस देश के जो हमारे हम वतन हैं OBC SC ST और जितने माइनॉरिटीज हैं हम यूनिट हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं. ये खुशी है. कानून तो बना है, एक्ट तो बना है, ये एक्ट संविधान के खिलाफ है. संविधान आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ है. आर्टिकल 14 में मसावत की बात है, बराबरी की बात है, और आर्टिकल 15 के अंदर है कि मजहब की बुनियाद पर, जातवाद की बुनियाद पर या रंग और नस्ल की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता. इसलिए ये आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है, आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है. और ये जो संविधान बना है समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर बना है. और बुद्धा ने आवाज उठाई थी, आज से 3000 साल पहले बुद्धा ने आवाज उठाई थी कि समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय का उन्होंने आवाज उठाई थी. और उस आवाज को भी कुचलने की कोशिश हुई उस टाइम पर भी. और उसके बाद बसवण्णा ने आवाज उठाई. बसवण्णा ने इसी कर्नाटक के अंदर क्रांति लाया था और उनकी आवाज भी यही थी, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के ऊपर थी उनकी आवाज. और उसके बाद इसके अंदर हमारे शिवाजी महाराज ने भी आवाज उठाई, संभाजी महाराज ने आवाज उठाई, शाहू महाराज ने आवाज उठाई. और ये सब OBC के थे, शाहू महाराज OBC के थे और संभाजी महाराज भी OBC के थे और शिवाजी महाराज भी OBC के थे. इन्होंने भी आवाज उठाई स्वतंत्रता के बारे में, बंधुत्व के बारे में, न्याय के बारे में आवाज उठाई. ये सबके राजा थे,
ये सबके राजा थे, जिनका नाम मैंने लिया है, सबके राजा थे। इन्होंने सबके लिए काम किया, इन्होंने ओबीसी के लिए काम किया, एससी एसटी के लिए काम किया, माइनॉरिटीज के लिए इन्होंने काम किया। और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने काम किया, उन्होंने आवाज उठाई, माने ज्योतिबा फुले इन्होंने बहुत बड़ी आवाज उठाई, वो भी ओबीसी के थे। ऐसा नहीं है, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला हमारे सारे बैकवर्ड क्लास लोगों का मसला है, जिसमें ओबीसी है, एससी एसटी है और माइनॉरिटीज है। और ये जो संविधान भी बना है, हमारा जो संविधान बना है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर बना है दोस्तों, ये हमें समझना होगा। और उसके बाद जो बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो जुल्म हमारे ऊपर ही नहीं हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म नहीं हो रहा है, यहाँ जुल्म ओबीसी पर भी हो रहा है। ओबीसी के 300 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम पास किए हैं, उनको आज तक जॉब नहीं मिला है। आप गूगल सर्च करके देखो, 300 बच्चे ओबीसी के यूपीएससी के एग्जाम पास किए लेकिन उनको जॉब नहीं मिला है। और उसके अलावा एससी एसटी के बच्चे, उनके ऊपर 22% रिजर्वेशन है लेकिन हायर जॉब में उनका हिस्सा कितना है आप देखिए। माननीय शरद यादव ने आरटीआई फाइल डाला था, आरटीआई फाइल के अंदर ये रिपोर्ट आया कि उसमें ये मिला, पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी एससी एसटी का कोई संख्या नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि उनका वोट लिया जाता है लेकिन उनका हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन हायर जो जॉब है, जैसा कि आईएएस है या आईपीएस है, आईआरएस है, इसके अंदर भी क्या नहीं है, वो भी सीएससी एसटी का कोई हिस्सा नहीं है। और आरटीआई के अंदर ये बात सामने आई कि 79.98% कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं, ओबीसी का कहाँ हिस्सा है उसके अंदर, एससी एसटी का कहाँ हिस्सा है उसके अंदर। ये जुल्म हमारे ऊपर ही नहीं है, जुल्म ओबीसी पर भी हो रहा है, जुल्म एससी एसटी के साथ भी जुल्म हो रहा है, और साथ हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है। और एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी एनआरसी लागू होगा, 1951 की बात आ रही है, उससे पहले का हमको क्या है, डॉक्यूमेंट्स देना है, यही बात आ रहा है। 1971 का, इसके पहले का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके अंदर क्या है, जमीन की रजिस्ट्री जो है हमारे बाप दादा उनकी, वो भी देना पड़ेगा। लेकिन जमीन की हकीकत क्या है, एससी के पास 0.5% जमीन है, 0.5% जमीन है पूरे इंडिया के अंदर, 0.5%, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, आप उठाकर देखें, एससी के पास 0.5% जमीन है और एसटी के पास 0.5% जमीन है। और अलेमारी लोग हैं, 9 करोड़ से ज्यादा अलेमारी लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, क्या वो देश के बाशिंदे नहीं है, वो इस देश के लोग नहीं है, क्या इस देश में उनका हक नहीं है? सिर्फ हमारा मसला नहीं है, यह सारे लोगों का मसला है, इसीलिए सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं, क्योंकि ये समता के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये बंधुत्व के खिलाफ है और ये न्याय के खिलाफ है। ओबीसी के पास कितनी जमीन है, ओबीसी के पास सिर्फ 4% जमीन है, 52% आबादी है ओबीसी की, जो इस देश का राजा है, इस देश का राजा कौन है, ओबीसी है, ओबीसी इस देश की ताकत है, लेकिन ओबीसी कहाँ है आप, हाँ ओबीसी के अंदर गरीबी कितनी है, ओबीसी के अंदर मजबूरी कितनी है, सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन कर रहे हैं इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा आत्महत्या इस देश के अंदर ओबीसी कर रहा है। तो हमें जरूरी है, समझना जरूरी है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है ये, और ये डाइवर्ट किया जा रहा है, मुसलमान हिंदू में डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये सबका मसला है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अकेले आवाज नहीं उठानी है। आज श्रीमान अकाली दल ने भी हमारे साथ देने का वादा किया है, और मान सिंह ने वादा किया, और उसके अलावा ओबीसी के तमाम लीडरों ने वादा किया है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, सबकी आवाज है ये, और एससी एसटी के सारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमें अलग नहीं होना है, हमें उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ मिलना है, उनके साथ हमें खड़े होना है, हमें एक होकर क्या करना है, इस आवाज को बुलंद करना है। तो हम इस सीएए के खिलाफ हैं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, हम पूरी तरह इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, ये डिबेट करने का काम कर रहा है, हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, ओबीसी एससी एसटी से जो हमारा रिश्ता है और माइनॉरिटी से जो हमारा रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है, वो रिलेशन को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, हम एक होकर रहना चाहते हैं, इस देश को हम बनाना चाहते हैं, इस देश को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं इन्हीं बातों पर मैं अनिश कांबळे, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मैसूर डिवीजन, भारत मुक्ति मोर्चा कर्नाटक। कुछ सभी साथियों को जय मिलासी, सभी साथियों को जय मिलासी। ये जो एनआरसी का मुद्दा है, सिर्फ ये मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई को भी मसला है, क्योंकि जो आसाम में अब एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि आसाम में 19 लाख लोग जो एनआरसी के दायरे में फंस गए हैं, उनमें से
चार से साढ़े चार लाख लोग मुसलमानों को निकाला गया, तो बाकी के जितने भी लोग हैं एस सी एस टी ओबीसी के हैं। तो इसका मसला क्लियर है कि अगर एनआरसी पूरा इंप्लीमेंटेशन लागू होगा तो देश भर से 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है एनआरसी के जब्ते में आ जाएंगे। तो इसके लिए समस्या जो है सिर्फ मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये एस सी एस टी ओबीसी लोगों का भी है। इसलिए हमें सभी लोगों को इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट में लड़ना है। अगर इसके बावजूद भी एनआरसी अगर वो लागू करना चाहते हैं तो हमें बाय डीएनए से लागू करना चाहिए, तब पता चलेगा कौन बाहर से आए घुसपैठी है, कौन हम भारत के मूल निवासी है। क्योंकि हमारे जो एस सी एस टी ओबीसी के माइनॉरिटी के जो भी जितने भी तमाम लोग हैं, हम खून के भाई हैं। जैसे कि एस सी की आबादी 15% है, एस टी की आबादी 7.5% है, ओबीसी की आबादी 52% है, और माइनॉरिटी की आबादी जो है, माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये तमाम साथी मिलकर 10.5% है। कुल मिलाकर हम भारत के 85% मूल निवासी है। और इसके आधार पर हमें अगर एनआरसी अगर लागू करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बाय डीएनए के आधार पर कीजिए। उसके बाद में देखा जाएगा कौन घुसपैठी है, कौन बाहर से आए हुए, कौन फॉरेनर से, कौन इंडियन से, बोल के समझ में आ जाएगा। हम यही सभी लोगों को अपील किया जाता है कि साथ सहयोग देना चाहिए। और इसका जो है रुख जो है नेशनल वाइड के ऊपर हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 8 जनवरी को इसका एक प्रोटेस्ट होने वाला है नेशनल वाइड के ऊपर। उसके बाद दरमियान 29 जनवरी को भारत बंद है इसी सब्जेक्ट को लेकर, एनआरसी और अपना सी ए जो भी है अमेंडमेंट बिल। और उसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ये जो है हम अब जो एनआरसी और सी ए भी हम बोल रहे हैं, इफेक्ट है इसका मेन कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुन के आई इसके गवर्नमेंट जो है आकर हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। इसके लिए हमें पहले जो है ईवीएम मशीन को बायकॉट करना है, उसके बाद ये सारे जो जुल्म है हमारे ऊपर करना, जो अमेंडमेंट बिल है जो भी बनना बंद हो गया। इसलिए हमें पहले जो अपोज करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपोज करना है। तमाम जितने भी पार्टियां हैं, लोकल लेवल की पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां, नेशनल लेवल की पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं तब सक्रिय होंगी, तब फेयर फेथ एंड ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन होगी। फेयर फेथ एंड ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन ना होने की वजह से आज की तारीख में हम इस समस्या के चपेट में आकर हम आज रास्ते पे उतर रहे। तो हम चाहते हैं कि एस सी एस टी ओबीसी के भाई लोग हमारा साथ सहयोग दे और हम मिलजुल कर इसका जो प्रोटेस्ट है उसको हम कामयाब करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ अकेले मुसलमान भाइयों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भारत के तमाम मूल निवासी भाइयों की मुद्दा है। इसी बात को जय मिनास। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। मैं मुजाहिद मुस्तफा अमीर मुकामे, नायब अमीर मुकामे जमात इस्लामी हिंद से कुछ 2-3 मिनट के लिए तकरीबन सब बातें आ चुकी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पर सूरज की रोशनी में खड़े हैं ऐसा ही हमारा सिटीजनशिप भी है। हम कोई भी कैसा कह सकता है कि हम जो इतने अपने घर में रहते हुए अपने घर वालों को आप कैसा बाहर करते हैं, अपने घर वालों को जो है कैसा बाहर करते हैं आप। घर वाले जो है घर से अपनी पूरी जिंदगी गुजारे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पर जिंदगी गुजारे हैं और उनको पूछा जा रहा है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो नहीं तो घर से निकल जाओ। ये कैसे कहाँ का इंसाफ है ये, इसमें जो है ये लोगों को उलझाया जा रहा है। असल मुद्दों के ऊपर जो बातें होना था, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो यहाँ पर है भारत का जो हालत हुई है, ये सब औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वीमेन बोल के डिक्लेयर भी हो गया है। यहाँ पर रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, यहाँ पर कानून की व्यवस्था जो है पूरी चरमरा गई है। ऐसे वक्त में जो है ये खामखा का एक ऐसा एक मुद्दा ला के हमको लोगों को उलझाया जा रहा है। हम अपने ऐसे मुद्दे हैं जो डिमोनेटाइजेशन में हुआ और होमवर्क किए बगैर जीएसटी लागू किया गया, उसका जो है क्या मिला उनको खुद मालूम नहीं है कि क्या किस तरीके से लागू करना क्या करना बोल के। अब भी जो है ऐसा ही सीएए वगैरह एनआरसी लागू करने की कोशिश करें, उसका होमवर्क नहीं किया गया है। जो नोमैडिक तबका है, जो ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, जो यहाँ पर जिनका कोई पूछने वाला नहीं उनका कौन है क्या है उनकी जात पात नहीं है। नहीं, 2011 के सेंसस में ये 27 लाख ऐसे लोग थे जो किसी मजहब को नहीं मानते थे, उनके बारे में क्या कहते हैं। और ऐसे लोग हैं जो अदर रिलीजन का करके कहा गया वो नियरली 78 लाख थे, उनके बारे में क्या है। अगर अदर रिलीजन में 84 रिलीजन आते हैं वो अदर रिलीजन, उनके बारे में क्या है। ये सीए में एनआरसी में क्या कौन से
हिंदू करके कंसीडर करेंगे, जो खुदा को नहीं मानते उनको हिंदू करके कंसीडर करेंगे, जो जिनकी कोई जात ही नहीं है, जो नोमैडिक तबका है, जो यहाँ से वहाँ पर घोड़ों पर ये पोटलियाँ लाद के जो घूमता है, उन लोगों को क्या हिंदू बोलते हैं, क्या मुसलमान बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? ये सिर्फ दो तीन चार नाम लेके, जातों के नाम लेके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जो है ये प्रोसिक्यूशन के बारे में बहुत से इंटरनेशनल लॉ है, प्रोसिक्यूशन का लॉ जो है वो इतना आसानी से नहीं है कि हम अडॉप्ट कर सके। और आप अब इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट एक हिंदू है, एक मुसलमान है और ईसाई है, सब है इलीगल माइग्रेंट समझो। तो लोग पूछा जाता है तू क्या है, तेरे पास इलीगल माइग्रेंट, तेरे पास क्या है डॉक्यूमेंट? मेरे पास क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं। अगर हिंदू है तू चल, मैं उस तेरा डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। अगर नहीं है तो, अगर मुसलमान है तो तू है ना जा है बाहर जा, डिटेंशन सेंटर में जा। ऐसी बातें हो रही, ये इंसाफ है क्या? ये इंसाफ को जो है, इंसाफ के लिए सब लोग ये यहाँ के भारत के नागरिक लड़ रहे हैं, दिन रात ये कर रहे हैं। शाहीन बाग में औरतें जो है ठंड में 0 डिग्री के करीब है ठंड सर्दी, वहाँ पर जो है बैठी हुई औरतें अपने बच्चों को लेकर, और कोई भी पूछ नहीं रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आके नहीं पूछ रहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं बोल के। तो ये इतनी जो है हमारे में इंसानियत मर गए, हमको क्या है ये उनकी इंसानियत को जगाना है, यानी तुमको जो है हम जो है वो उनको क्या करना है वो करना है, बस उतना ही। मैं डॉक्टर नसीम खान, प्रेसिडेंट उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों और मेरे वेलफेयर पार्टी के वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक और मेरे पत्रकारिता भाइयों, आप सबको गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार। आज मुझे माहौल देखते हुए श्री राम प्रसाद बिस्मिल की याद आ रही है, जिसने एक गीत अमर किया है, एक गीत लिखा गया है श्री सैयद हसन शाह बिस्मिल अजीम आबादी के द्वारा। वो गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रह बरे रहे मोहब्बत रह न जाए राह में, लज्जते सहराओ वर्दी सहरान वर्दी दूरी मंजिल में है, यू खड़ा है मख्तल में कातिल, कह रहा है बार बार है तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, तेरी हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है, खींच लाई है सभी को खत्म होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कुछ ये खातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करना चाहता हूँ, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी के हैसियत से ये अपील करना चाहता हूँ, सर आप CAA फौरन वापस लीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉ के खिलाफ है, ये सब देशवासियों के खिलाफ है, आप फौरन तौर पर इसको वापस लीजिए। आप हिंदुस्तान की क्या हालत बना रखे हैं? हिंदुस्तान अच्छा चल रहा था, आजादी के बाद सूखी सूखी रोटी खाते थे मगर चैन से सोते थे, आपने दिन का चैन उड़ा दिया है, रातों की नींद उड़ा दी है। 130 करोड़ जो देशवासियों हैं उनको आप खतरे में डाल दिए हैं, ऐसा लगता है कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। सर मैं आपसे और एक बार अपील करता हूं कि CAA, ANPR, NRC कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोर्ट में ये ठहरने वाला नहीं है। अगर आप कोई घुस बैठिया है हम आपको लाकर देंगे, हम आपको उसको आपके सुपुर्द कर देंगे, ये नहीं कि आप पूरे 130 देशवासियों को उनके डिटेल्स निकाले। CAA में तीन खामियां हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी कमियां हैं, ये तीन
कानूनी से गिर जाता है वह एक नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि देश के आसपास के जो देश हैं उसमें सिर्फ तीन चुने हैं, चाइना, श्रीलंका, बर्मा और कहां गया। दूसरा, इट डज नॉट कवर ऑल द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। जो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज पे जुल्म हुआ है, ये पूरे माइनॉरिटीज को जिस पे जुल्म हुआ है ये कवर नहीं करता है। क्यों? चाइना, पाकिस्तान में शिया पर जो जुल्म होता है वो इन्होंने कवर नहीं किया, जो चाइना में उगर मुसलमानों पर जुल्म होता है वो इन्होंने कवर नहीं किया, रोहिंग्या बर्मा के उनको कवर नहीं किया, श्रीलंका के तमिल्स को आपने क्यों कवर नहीं किया। आप तो बड़े मक्कार निकले सर, आप तो बहुत चालाक निकले। और तीसरी बात ये फेल होती है, इट इज आर्बिट्रेरी, ने कोई भी एक इस पे उसका बेस नहीं है, एक अच्छाई का बेस भी नहीं है, ए फॉल्स बेस, अनफेयर, इनजस्टिस, ना इंसाफी पे बेस है। तो सर, मैं आपसे और अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी CAA, NPR, NRC को वापस लीजिए। आप दूर दूर की क्यों सोच रहे हो, दूर के देशों की क्यों सोच रहे हो, आप हमारे देश के बारे में सोचो, आप हमारे देश के मेजॉरिटी के बारे में सोचो, आप हमारे देश के माइनॉरिटी के बारे में सोचो। हमारे देश में भूखमरी है, पीने के लिए पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बीमारियां ज्यादा हैं, सड़क कच्चे कच्चे हैं, सड़क पक्के पक्के नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हो, लोगों के जॉब चले गए हैं, कहां से लाएंगे पैसा। आप तो बहुत इंडिया को बर्बाद कर रहे हो सर। सर, हम यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर मरेंगे, इस मिट्टी में खेले हैं और अगर गए इस दुनिया से तो इस मिट्टी में ही रहेंगे। हम क्यों दें आपको डॉक्यूमेंट्स, हम फिर कहां से आपको प्रूफ दें जब हम यहीं पैदा हुए हैं। सर, आप तो बहुत चालाक निकले। CAA, NRC, NPR और स्टूडेंट्स के ऊपर जो जुल्म, औरतों को मारना, 3 साल के बच्चों को दंडों से मारना, ये क्या सर, ये क्या जुल्म है। हम इस CAA, इस NPR, इस NRC को रिजेक्ट करते हैं। हमको इंसाफ दीजिए, आप कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, दुनिया के तमाम नेशंस आपके ऊपर थूक रहे हैं, दुनिया के तमाम नेशंस, आप पेपर में अखबार में पढ़ के देखिए कि क्या चल रहा है वहां पर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं फिर से ये कहूंगा कि क्या जरूरत है इस NRC और NPR लाने की, ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इंडिया बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोग हैं, एक एक आदमी का डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे, गरीब बेचारे मारे जाएंगे, क्या वो काम करेंगे, क्या वो डॉक्यूमेंट्स जमाएंगे, क्या करेंगे। इट्स अ ग्रेट डिजास्टर। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारा साथ दें भरपूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवीद शाबान जी से बात करता हूं, कुछ एक शायर, शॉर्ट में 2 मिनट। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो पेशरो मुकर्ररीन ने अच्छी तरह से आपको NRC और CAA के मुतालिक समझाया है। अब मैं फिर उसके तल्लुक से कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी जो वेलफेयर पार्टी का कोई हाईलाइट नहीं हुए, उसके वास्ते उसके ऊपर लिखे हुए कुछ अशार है मेरे पास, वो आपको सुनाऊँगा। तराना वेलफेयर पार्टी का मैं झूम कर आज गा रहा हूँ, तराना वेलफेयर पार्टी का मैं झूम कर आज गा रहा हूँ, मैं आज भारत के वासियों को हमारी जानिब बुला रहा हूँ, भारत के वासियों को हमारी जानिब बुला रहा हूँ। ये मजहबी पार्टी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ भाई, ये मजहबी पार्टी नहीं है, ये धर्म की पार्टी नहीं है, ये मजहबी पार्टी नहीं है, ये धर्म की पार्टी नहीं है, ये मजहबी ये मुख्तलिफ रंग खुशबुओं से बना हुआ एक हसी चमन है। अगर हमारी सरकार को देखो, हमारी सरकार को तो देखो हमें ये क्या गुल खिला रही है, हमारी सरकार को तो देखो हमें क्या गुल खिला रही है। जो आजकल हो रहा है वही हालात, फंसी है कठिनाइयों के दलदल में, खुद हमें भी फंसा रही है। ये जो NRC सब है उसके बारे में,
हमारी सरकार को तो देखो, हमें क्या गुल खिला रही है, फंसी है कठिनाइयों के दलदल में, खुद हमें भी फंसा रही है। और ये शहर देखिए, किसान है खुदकुशी पे मजबूर, किसान है खुदकुशी पे मजबूर, सिसक रहा है यहाँ पे मजदूर, यहाँ मिनिस्टर हो या के अफसर, नशे में रिश्वत है सभी चूर, सजा के सादिक नवीद लाया है एक गुलदस्त है मोहब्बत, सजा के सादिक नवीद लाया है एक गुलदस्त है मोहब्बत, तमाम हिंदुस्तानियों को है पेश इसका सलाम उल्फत। Honorable Presidents, Government of India, New Delhi, through AC Bhatkal, letter of request, oppose the passage of the Citizenship Amendment Bill in Parliament. National Party of India, Karnataka, vehemently condemns the passage of the Citizenship Amendment Bill in Parliament. The bill allows Indian national Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian immigrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan to come to India. It is unconstitutional to grant citizenship on the basis of religion. Also, Muslims are being kept out of this bill. The Welfare Party makes it clear that the bill is being introduced to expel Muslims from India. If reports of exemption to the northeastern states are true, then it is violation of Article 14 of the fundamental rights in the Constitution. This is because there are no two laws relating to citizenship in one country. This is an anti-minority attitude. If the bill becomes law, Hindus who have migrated from Bangladesh to the states of northeastern India will be granted citizenship. This would jeopardize the culture of the tribal communities of northeast India. Law and order in the area is deteriorating. The act is to give Indian citizenship to all religions except Muslims. It is a concept of the Hindu nation that is an anti-minority act, and we ask the Welfare Party of India not to enact this act. Sanmanya Gauravanvita Rashtrapatigalu Bharata Sarkar Nava Dehali Manya Sahayaka Ayuktaru Bhatkal Upa Vibhaga Ivara Mukhantara Manyari ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ್, ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲು ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರದೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಒಳದುವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ 14ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕಾಯ್ದೆಯಾದರೆ ಬಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಂತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್. Okay.